फौजी के परिवार ने महिला को जिंदा जलाया, मौत परिजनों ने लगाया आरोप। महिला की बेटी ने फोन पर मायके वालों को दी घटना की जानकारी। बरेली, घरेलू कलह के चलते महिला पर उसके ससुरालियों ने मिट्टी का तेल छिड़क दिया, विरोध करने पर आग लगा दी। महिला को बेहद गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक महिला 90% वन बताया इलाज के दौरान मौत हो गई। बिथरी पुलिस का कहना है तहरीर आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। महिला का हाल जानने सीओ कोतवाल व सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे थे। नवाबगंज के चाणक्यपुरी निवासी स्वरोंदन लाल ने अपनी बेटी नीतू की शादी बिथरी चैनपुर निवासी युवक के की थी। सका एक बेटा और एक बेटी है। युवक टाइल्स व्यापारी है, उसके पिता रिटायर्ड सैन्य कर्मी है। सोमवार दोपहर किसी बात को लेकर नीतू और उसके पति के बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि पति, ससुर, देवर, जेठ ने नीतू के साथ मारपीट की, विरोध करने पर घर में रखा मिट्टी का तेल महिला पर छिड़क दिया और आग लगा दी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के मायके वालों का आरोप है कि घटना की जानकारी नीतू की बेटी नेहा ने दी थी। कहा कि शादी के बाद से ही घर में ससुराली दहेज को लेकर परेशान कर रहे थे। 15 दिन पहले उनकी बेटी को मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया था। 6 दिन पहले उनका दामाद घर आया और हंगामा करने लगा। काफी देर तक हुई कहासुन के बाद बेटी ससुराल चली गई। इसके बाद उनकी बेटी से मोबाइल छीन लिया। उन्होंने ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग की है। बिथरी पुलिस का कहना है कि तहरीर आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। महिला के सैन्यकर्मी जेठ पर भी है आरोप। नीतू के मायके वालों ने बताया कि उनकी बेटी का जेठ सैन्य कर्मी है जो बरेली के हेडक्वार्टर में तैनात है। घटना में उसका भी हाथ है। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। बच्चों के पालन पोषण को लेकर उसने दूसरी शादी कर ली। नीतू और उसके पति के बीच लड़ाई होने पर वह हामी भरता था। पुलिस ने शव का पंचनामा भर के शव का पोस्टमार्टम की भेजा। हमारी बहन के साथ इन लोगों ने प्रताड़ित करते थे, बहुत सारा दहेज के पीछे करते थे और मारते पीटते थे। और इनके देवर और जेठ जब जब आते थे तो प्रताड़ित करते थे। आके जब छुट्टी पे आते थे, छोटा मैनेजर है इलाहाबाद बैंक में, वो आता था तो इसे मतलब प्रताड़ित करता था। और बड़ा कल आपको क्या सूचना मिली? कल हमें सूचना मिली, क्या कहते हैं, इसे बहुत मारते थे और इसे मारा था, पहले बहुत मारा था, प्रताड़ित किया था, सब कुछ बिल्कुल मार के बिल्कुल बहुत किया था। फिर इनके इसके तेल रख के इसके ऊपर आग लगा दी। आपने आप लोग को सूचना कैसे मिली? हम लोगों को सूचना हमारी भांजी ने दी थी। उसने रोके बेचारी ने, बच्ची ने हमें सूचना दी। इन लोगों ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे, कोई सूचना नहीं दे रहे थे। आप लोग भर्ती करा गए? भर्ती ये लोग, हम जब घर तक पहुँचने वाले थे तब भी इन लोगों ने हमें कोई सूचना नहीं दी थी। इनने हमें सूचना दी थी, मतलब फिर बच्ची का मतलब फ़ोन आया था पड़ोस का किसी का कि ये लोग हॉस्पिटल में ले गए और क्या कहते हैं मतलब वैसे ले गए और किसी ने बचाया नहीं। 100% जल गई है बिल्कुल। डॉक्टर की रिपोर्ट भी दे दी डॉक्टर ने कि इनने किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की और बहुत जलाया बिल्कुल। और बिल्कुल फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में खुल लाए हैं हमारे। हमने कहा हमारा मौत सुबह आज हुई 7:45 लगे। तहरीर हमने देंगे सर। किस किस के खिलाफ तहरीर देंगे? तहरीर देंगे इसकी, उसने हमारी प्रताड़ित करा। मेरे पास वो है, पूरी रिकॉर्डिंग है। किसने कौन प्रताड़ित करा था? आरोपी जलाने का। आरोपी इसकी सास हैं उषा देवी और इसके ससुर हैं राम गोपाल और इसके पति हैं ब्रजेश बाबू। और ये लोग प्रताड़ित करते थे लेकिन जो आग लगाई है इन तीनों लोगों ने लगाई है। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।